जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने राज्य में विधायकों की खरीद फरोख्त की कवायद को रोकने के लिए विधानसभा को भंग करने का विचार सुझाया है। साथ ही उन्होंने सभी राजनीतिक दलों से नए चुनाव को आधार तैयार करने का भी निवेदन किया। हालांकि उन्होंने उम्मीद जताई है कि राज्य में स्थिरता की बहाली के लिए प्रदेश में कुछ समय तक राज्यपाल शासन ही रहेगा। लोकसभा सदस्य अब्दुल्ला ने कहा कि मेरे ख्याल से राज्य में वर्तमान में राज्यपाल शासन होना अच्छी चीज है, अब विकास पर ध्यान है और वे निष्पक्ष तरीके से ठोस प्रशासन देने में कामयाब रहे हैं। साथ ही वे चाहते हैं कि राज्य में एक बार फिर से शांति की बहाली हो और इस दिशा में वे कदम भी उठा रहे हैं। वे इस बात पर भी गौर कर रहे हैं कि लोगों को अनावश्यक तरीके से परेशान न किया जाए। SPN नाइन न्यूज रूम की रिपोर्ट। स्टार्ट योर करियर विद अस। अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या स्क्रिप्ट राइटर, तो हमें संपर्क करें।